हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड को चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो कक्षा 12 की बायोलॉजी के 5वें अध्याय आनुवंशिकता के सिद्धांत का ये दूसरा वीडियो है। याद रखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संकरण कितने प्रकार का होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने संकरण किसे कहते हैं ये चीज पढ़ा था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों का आपस में जन्म करवाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, याद रखिएगा। और इससे जो नया जीव बनेगा, उत्पन्न होता है, उसे हम संकर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। अब देखते हैं कि हाइब्रिड कितने प्रकार का होता है या क्रॉसिंग कितने प्रकार का होता है। याद रखिएगा, हाइब्रिड पूछा जाए या क्रॉस कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा बनेगा एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, यानी कि मोनो हाइब्रिडाइजेशन। एक संकर संकरण किसे कहते हैं, परिभाषा क्या लिखेंगे, जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न अथवा एक जोड़ी लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब किन्हीं दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच जनन करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे कक्षा 10 का जो आपके पास एग्जाम्पल होगा, लाल पुष्प वाला, सफेद पुष्प वाला, मैं वही एग्जाम्पल यहां पर दूंगा क्योंकि उस एग्जाम्पल को आपने बढ़िया से पढ़ा है, समझा है। चलिए लाल पुष्प एग्जाम्पल में, लाल पुष्प और सफेद पुष्प, सफेद पुष्प, लाल पुष्प के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल, सफेद के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर, ये दो अलग अलग लक्षण वाले पुष्प हैं। इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस करवाने के बाद यहां पर ये करेक्टर शो हो रहा है जो कि गुलाबी है, गुलाबी रंग इसका है, और इसके साथ साथ ये संकर भी है, यानी कि ये हाइब्रिड भी है। तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब किन्हीं दो, दो ही होना चाहिए, अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं, जनन करवाते हैं, तो उसी को हम एक संकर संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल डायग्राम सहित आप बना लीजिएगा, या आपको मैंने एक ही दिखाया, आप चार करके दिखा सकते हैं, आपको पता है 10 में आपने इसको पढ़ा ही था। दूसरा हमारा हेडिंग बनेगा, दूसरा हेडिंग हमारा बनेगा, सेकेंड हेडिंग, द्वि संकर संकरण किसे कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम इंग्लिश में डाई हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये मेंडल का थर्ड लॉ भी कहलाता है, अकॉर्डिंग टू मेंडल थर्ड लॉ, और कार्ल कोरेंस के अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ इसे कहते हैं। याद रखिएगा, दोनों के अनुसार अलग अलग ये। चलिए देखते हैं द्वि संकर संकरण किसे कहते हैं। जब दो जोड़ी यानी कि चार, यहां पर चार रहेगा इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, जब किन्हीं दो जोड़ी यानी चार अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम द्वि संकर संकरण कहते हैं, डाई हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी को मेंडल ने थर्ड लॉ के नाम से शो किया है और कार्ल कोरेंस ने इसी को सेकेंड लॉ के नाम से शो किया है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं कैसे। जैसे लाल पुष्प,
सफेद पुष्प, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, यहां तो हो ही रहा है, याद रखिएगा। यहां क्या होगा, कैपिटल स्मॉल, एक और मैं ले ले रहा हूं, ये तो एक जोड़ी हो गया, अब एक जोड़ी और ले रहे हैं। लंबा तना, लंबा तना और बौना तना या छोटा तना, तना ये एग्जांपल आपने 10 में देखा ही होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, चलिए ये आपका बनेगा ये चीज। यहां पर चार लक्षण दिए गए हैं, चारों का अलग अलग हम क्रॉस करवा रहे हैं। इतना कराने के बाद ये दो संकर बने, इधर एक संकर इधर बना है और एक संकर इधर बना है। ये जो बना हुआ है ये सामान्य तना है, ना तो ज्यादा लंबा है ना तो ज्यादा छोटा है। ये जो बना हुआ है गुलाबी पुष्प है। अब यहां पर दो संकर बन गए हैं, जब इन दोनों का फिर से आपस में क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आएगा कैपिटल आर कैपिटल टी और यहां पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल टी। यहां पर कराएंगे तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर और यहां पर कराएंगे तो आएगा स्मॉल आर स्मॉल टी। तो ये जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। यहां पर दो संकर के बीच में संकरण हो रहा है इसलिए इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप परिभाषा दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला बनेगा कि जब किन्हीं दो जोड़ी यानी कि चार भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। परिभाषा चेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब किन्हीं दो संकर के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे संकर द्विसंकर संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने यहां तक आप करवाएंगे, आपका एग्जाम्पल कंप्लीट माना जाए। चलिए और देखते हैं संकरण कितने प्रकार का कौन कौन सा होता है। चलिए एक आपका बनेगा परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये क्या होता है, ये बोर्ड पेपर के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, सामान्यता ज्यादातर पूछा जाता है। किसे कहते हैं, सामान्यता परिभाषा जो मैंने पहली बताई परिभाषा एक संकर संकरण वाली, वही इसकी परिभाषा है। आप सामान्यता कोई भी क्रॉस करा दीजिए तो उसी को टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। अगर दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, जन्म करवाते हैं, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। याद रखिएगा जो पहली परिभाषा बताई गई थी आपको एक संकर संकरण की, वही परिभाषा इसकी भी है। क्या परिभाषा है, जब किन्हीं दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराते हैं तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक आपका है बैक क्रॉस, जिसे हम हिंदी में संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। लाल पुष्प है और इधर मैं ले रहा हूं सफेद पुष्प, आर आर स्मॉल आर आर, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, यहां बना ये चीज, ये क्या है गुलाबी, ये क्या है संकर। चलिए तो जब किसी परिभाषा, जब किसी संकर जाति का, ये संकर मतलब हाइब्रिड, जब किसी संकर जात का यानी हाइब्रिड जाति का उसके किसी पूर्वज के साथ क्रॉस करवाया जाता है, याद रखिएगा परिभाषा अगर फिर से सुनिएगा, जब किसी संकर जाति का उसके किसी पूर्वज वाले के साथ, चाहे इसके साथ करवा दीजिए
चाहे इसके साथ करवा दीजिए। यानी कि याद रखिएगा इस प्रजात का संकरण हमें इसके पहले वाले किसी भी जात के साथ करवा देकर तो उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं, यानी कि संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। याद रखिएगा जब किसी संकर जात का उसके किसी पूर्वज जात के साथ क्या कराते हैं संकरण, तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में बना हुआ है ये क्या है संकर और ये दोनों क्या है इसके पूर्वज हैं, तो इसका अगर आप फिर से इसका करवा देते हैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर, या इन दोनों के बीच में आप क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर, तो उसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है अन्योन्यता संकरण। अन्योन्यता संकरण इसे इंग्लिश में लिखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे कहते हैं वो जानिएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस ये मेंडल का एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इंपॉर्टेंट क्रॉस था, जिसे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा ये एक फ्लावर का मैं डायग्राम बना रहा हूं। चलिए ये एक पुष्प है, मान लीजिए ये एक पुष्प वन है और यहां पर एक मैं फ्लावर बना दे रहा हूं, ये ए वन लिख रहा हूं, ए वन ए और ये बी। चलिए ये बी हो गया, तो यहां पर दो पुष्प लिए गए हैं, दोनों पुष्पों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। ध्यान से देखिएगा बहुत ही सिंपल है, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है। ये क्या है फीमेल, ये क्या है मेल। इसके अंदर भरे हुए हैं परागकण, ये परागकोश है। आपको पता है पुंकेसर जो होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है और ये स्त्री केसर यहां से यहां तक का है, इसको हम मादा जननांग बोलते हैं, फीमेल पार्ट है। तो याद रखिएगा जब इसका परागकण हम ले जाकर के इस पे डालें, ध्यान दीजिएगा जब पहले पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के, ये दोनों अलग अलग जात के हैं, याद रखिएगा जैसे आप सरसों में ले लीजिए तो एक सफेद फूल वाला एक पीले फूल वाला, तो दो अलग अलग जातियों के बीच में हम ये क्रॉस करवा रहे हैं। तो एक पुष्प का परागण उठा करके हम दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल रहे हैं, फिर प्रोडक्ट देख रहे हैं उसका कैसे हो रहा है, क्या लक्षण है उस बीज के उसके फूल में। फिर दूसरी बात हम इसका परागण यहां से ला करके इसके इस तीर के असर के ऊपर डाल दे रहे हैं इसके ऊपर। यानी कि जब पुष्प के या जीवों के नर और मादा को बदल करके क्रॉस करवा जाए, अदला बदली करके क्रॉस करवा जाए, तब उसे हम अन्योन्यता संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एक बार हमें इसका मेल लेना है, इसका फीमेल लेना है, ये मेल है ये फीमेल है। पहली बार इसका मेल पार्ट का रिप्रोडक्शन इसके फीमेल के साथ करवाएंगे, दूसरी बार में हम इसके मेल पार्ट का रिप्रोडक्शन इसके फीमेल के साथ करवाएंगे। तो अगर हम मेल और फीमेल के जननांगों को बदल करके वन बाय वन क्रॉस करवाते हैं तो उसी को हम अन्योन्यता संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स जहां तक उम्मीद है आपको ये संकरण का प्रकार, क्रॉसिंग का प्रकार समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा ध्यान से। और यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगेगी तो आप इस जानकारी को, इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर ये चैनल आपको उपयोगी लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।